अच्छा जी, इस वक्त हम जा रहे हैं राउंड लगाने के लिए। आयशा आप कहाँ जा रही हैं? आप राउंड लगाने जा रही हैं? अच्छा, और मुस्फिरा आप? हाँ भाई, मोहम्मद माद आप भी राउंड लगाने जा रहे हैं? ओके, उसे पकड़ो। और अभी हम जा रहे हैं, उसी ऊपर दिखा दो, हम जा रहे हैं राउंड लगाने के लिए बच्चों के साथ, और फिर आगे का आपको ठीक है। अब ये देखें आप, हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना वो इलेक्शन वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी के और बहुत सारे सबके जो है ना वो फ्लैग लगे हुए हैं, और इलेक्शन का जो है ना वो समा चल रहा है। आप ये पकड़ लें, ठीक है ना, पकड़ा हुआ है। यहाँ पे ये आ गया है हमारा अय्यूब गेट, ये है सखर में अय्यूब गेट, और ये आप देख रहे होंगे, ये पकड़ रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, और ये सखर का पेट्रोल पंप आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर जो है सब के सब पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाल रहे हैं, और ये फ्लैग भी लेके खड़े हुए हैं। ये रैली के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो रैली निकाली जा रही है, और ये मेरे साथ आयशा है, और ये पीपल्स पार्टी की तरफ से रैलियां आ रही हैं। आप देख रहे होंगे पीपल्स पार्टी की रैलियां भी आ रही हैं, और सक्कर के अंदर एक यू के लिए बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है, और हम जो है वो राउंड में निकल रहे हैं। आयशा आप कहाँ जा रही हैं? राउंड लगाने जा रही हैं। वाओ, और इस वक्त आप देख रहे होंगे और ये देखें ये MKM की रैली यहाँ से निकल रही है। अच्छा भाई, ये हमारे साथ आयशा हैं। आयशा कैसी हैं आप? ठीक है। मोहम्मद माज कहाँ हैं आप? आप नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप कहाँ पर? और ये मुस्किरा मेरे साथ बैठी है पीछे, आगे का दिखाते हैं आप। ये देखें आप, आज पीपल्स पार्टी वाले भी किस तरीके से ये अपना जलसा वगैरह कर रहे हैं। हम अंदर से चलते हैं, और कोशिश करता हूँ मैं आपको उधर से दिखाने की कि जहाँ पर तहरीक लब्बैक वाले जो है वो आज का जलसा कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे सखर में जो है इस वक्त में हम बिराज कॉलोनी में घूम रहे हैं, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद मास, आयशा और मोहम्मद अमीर सिद्दीकी। ये देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी ने तकरीबन पूरे एरिया को जो है ना वो घेरा हुआ है, उनके वर्कर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त बच्चे जो हैं वो सर्किट हाउस ये कहलाता है वॉकिंग ट्रैक, और मैंने कहा चले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर भी जो है वो हम सैर कराते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं सामने जो फ्लैग है, ये पाकिस्तान के दूसरे नंबर का फ्लैग है। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान के दूसरे नंबर का फ्लैग है, और पहले नंबर का आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर फ्लैग लगा हुआ है, पाकिस्तान का जो 1 नंबर का है, और सेकेंड नंबर पर जो है वो सखर में हमारे यहाँ ये लगा हुआ है, और इसको जो है वो हम सर्किट हाउस कहते हैं, सर्किट हाउस, और ये कहलाता है वॉकिंग ट्रैक। यहाँ पर सब वॉक करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। शायद आपको वीडियो में ऐसा नज़र ना आए, लेकिन ये कि जब आप बजाते ख़ुद आप यहाँ पर आते हैं, तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त आपको जो है ना यहाँ पर एक व्यू देखने को मिलता है। और ये मैं अपने साथ बच्चों को दिखा रहा हूँ, ये आयशा है मेरे साथ, और आयशा बहुत इंजॉय कर रही थी मेरे साथ, और बहुत मज़ा भी आ रहा था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये व्लॉग बना कर जो है ना वो आप लोगों को भी दिखाया जाए।
और ये मेरे साथ मुस्फिरा हैं, मोहम्मद माज हैं, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलें आज फ्राइडे भी है तो बच्चों को इंजॉय कराते हैं खूब। तो माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी आयशा जो है ना, बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पर मैंने आयशा की, मोहम्मद माज की, मुस्फिरा की, तीनों की पिक्स ली तो बहुत खुश हो रहे थे ये लोग यहाँ बैठकर। मैंने कहा चलें आप लोग इन्जॉय करें यहाँ पर। और असल में सामने से जो है ना वो सॉन्ग वगैरह की आवाज़ें आ रही थी, गाने बज रहे थे, तो मैंने कहा चलें उसकी आवाज़ म्यूट कर देते हैं और आवाज़ म्यूट करके फिर जो है ना वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई और ये बच्चे आप देख रहे हैं कि खूब इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है लेकिन अभी जो है वो ऐसी गर्मी नहीं थी, लेकिन बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। और ये एरिया आप तो जो जानते हैं उनको मालूम है कि ये लबे मेहरान का एरिया कहलाता है, और ये बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ ये पार्क है। पहले बना हुआ था, अभी इसको जो है ना वो रिकंडीशन किया जा रहा है। और इस पार्क के बिल्कुल बराबर में हमारा दरियाए सिंध लगता है। इस पार्क के बिल्कुल बराबर में, जहाँ मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ सामने जो है अंदर पार्क के, पार्क के बिल्कुल बराबर में जो है वो दरियाए सिंध है। और यहाँ पर आज जो है वो TLP का जो है ना वो जलसा हो रहा है। आप जैसे जानते हैं कि TLP के जो इस वक्त चेयरमैन हैं साद हुसैन रिजवी, वो सक्खर तशरीफ़ लाए हुए हैं, और उनका जो है वो आज एक बड़ा जलसा है यहाँ पर। और हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने कहा चलें यहाँ की भी आपको दिखाते चलें। ये अल्लाह वाली मस्जिद है, हज़रत मुफ्ती अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहू की बहुत प्यारी मस्जिद है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारे सक्खर में क्लॉक टावर पर जो है ना पीपल्स पार्टी का बहुत ज़बरदस्त एक जलसा होने लगा है। क्यों? और इसके बाद जो है हमारे यहाँ असल में बलदियाती इंतखाबात की जो है ना वो बड़ी गहमा गहमी चल रही है। तो अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उन लोगों को लेके आए जो हमारे शहर के लिए अच्छे हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हो या PTI से हो या MQM से हो या के जमीयत उलमा इस्लाम से हो, जो भी हो अल्लाह पाक उनको लेकर आए जो हमारे शहर के लिए अच्छे हों, आवाम के लिए अच्छे हों, हमारे मुल्क के लिए अच्छे हों। बस अभी आखिर में हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तो मैंने कहा चलें आपको यहाँ से थोड़ा सा ये भी दिखाते चलें। तो आज का मेरा ये व्लॉग है, मैंने कहा चलो बच्चों के साथ बनाते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।